इस धरती ने इतना ज्यादा विनाश देखा है, इसकी देह असंख्य घावों से छिदी हुई है, फिर भी हैदराबाद बेजोड़ है। हैदराबाद के बारे में ये लाइनें राघवेंद्र आलमपुरी की हैं। आप इसमें हैदराबाद की जगह औरंगाबाद को रख सकते हैं, बाकी सब कुछ एक जैसा है। हैदराबाद और औरंगाबाद में कई चीजें समान हैं। दोनों शहर अपने बहुरंगी सांस्कृतिक लोकाचार के लिए जाने जाते हैं। एक वक्त में औरंगाबाद दक्कन में सत्ता का केंद्र था। यह शहर कई साम्राज्यों की राजधानी रह चुका है। जब निजाम ने अपने शासन की नींव रखी तो औरंगाबाद को काफी अहमियत मिली। हालांकि निजाम की राजधानी तो हैदराबाद ही थी, लेकिन औरंगाबाद का सम्मान उपराजधानी के तौर पर बरकरार रहा। चूंकि निजाम के शासन में यह उनके राज्य की सरहद पर मौजूद सबसे बड़ा और अहम शहर था, इसलिए इसका दर्जा भी खास था। लेकिन आज हैदराबाद और औरंगाबाद दोनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की मांग उठ रही है। औरंगाबाद सिटी और औरंगाबाद जिले का नया नाम रखने की बहस कई बार उठ चुकी है। हाल में औरंगाबाद शहर में लव औरंगाबाद और सुपर संभाजी नगर लिखे साइन बोर्ड जगह जगह देखने को मिले। इसने शहर के नाम को लेकर होने वाले विवाद को एक बार फिर हवा दी और इसमें कई राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि शिवसेना कई सालों से औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग करती रही है। राज्य में अब शिवसेना सत्ता में है, लिहाजा उसे अब इस शहर का नाम संभाजी नगर कर यह मांग पूरी करनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वह शहर का नया नाम रखने के किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि गठबंधन सरकार धर्मनिरपेक्षता के एजेंडे पर काम कर रही है और मुगल बादशाह औरंगजेब इस खांचे में फिट नहीं बैठते। ठाकरे ने अपने हाल के बयानों में लगातार औरंगाबाद को संभाजी नगर कहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह मुद्दा गठबंधन सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नाम बदलने की राजनीति के खिलाफ है, जिससे समाज में दरार पैदा होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी साफ किया है कि उन्हें संभाजी महाराज से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन औरंगाबाद अक्सर स्थानीय राजनीति की वजह से सुर्खियों में रहा है। अगर हम शहरी चुनाव क्षेत्र को देखें तो यह साफ हो जाता है कि क्यों राजनीतिक पार्टियां इसे इतनी अहमियत दे रही हैं, क्यों बार बार इस शहर के नाम का मुद्दा सामने आ जाता है। दरअसल औरंगाबाद में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी कम नहीं है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक मकसद से इसका नाम बदलने का मुद्दा जोर शोर से उछाला जाता रहा है। औरंगाबाद में रह रही रिटायर्ड प्रोफेसर और इतिहास की स्कॉलर दुलारी कुरैशी कहती हैं कि आम तौर पर औरंगाबाद का ज्ञात इतिहास सिर्फ यादव वंश तक ही सीमित रहा है, लेकिन यहाँ सातवाहन काल के समय के भी प्रमाण हैं। यादव वंश के शासन के दौरान देवगिरी यानी दौलताबाद एक प्रमुख जगह बन गई थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दौलताबाद के किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने यह फरमान जारी किया कि राजधानी दिल्ली को दौलताबाद ले जाया जाए। बड़ी आबादी में लोग इधर से उधर हुए, लेकिन 1334 में उनका मन बदल गया और उन्होंने दिल्ली को ही राजधानी रखने का फैसला किया। 1499 में दौलताबाद अहमदनगर की निजामशाही के नियंत्रण में आ गया। अगले 137 साल दौलताबाद निजाम के ही कब्जे में रहा। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में कई जगहों पर सराय, कुएं और मस्जिदें बनवाईं। ऐसी ही एक जगह थी औरंगाबाद। दुलारी कुरैशी कहती हैं कि तुगलक ने औरंगाबाद में एक जगह पर एक मस्जिद, कुआं और सराय बनवाई थी। आज उस जगह को जूना बाजार कहा जाता है। मलिक अंबर अहमदनगर के निजाम के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। मलिक अंबर को यह जगह काफी पसंद थी। उन्होंने यहाँ खड़की नाम का एक गांव विकसित करने का फैसला किया और इस पर औरंगाबाद शहर की पहली नींव पड़ी। मलिक अंबर ने यहाँ सड़कें, पुल और जलापूर्ति के लिए नहरें बनवाईं। उन्होंने नौखंडा जैसे महल भी बनवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पुर्तगालियों के लिए एक गिरजाघर भी बनवाया। मुगल बादशाह जहांगीर ने खड़की पर 1616 में हमला किया और शहर को तहस नहस कर दिया। बादशाह की फौजों ने इतनी तबाही मचाई कि इस शहर को होश में आने में कई दशक लग गए। मलिक अंबर ने इसे फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन 1626 में उनका निधन हो गया।
कुछ सालों के बाद मलिक अंबर के बेटे फतेह खान कुछ वक्त के लिए खटकी आए। इतिहास के स्कॉलर पुष्कर सोहनी कहते हैं कि उन्होंने इस शहर का नया नाम रखा फतेहनगर। लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां ने 1636 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। उस समय इस शहर को दोबारा नाम दिया गया खुजिस्ता बुनियाद। 1657 के बाद खुजिस्ता बुनियाद का नाम औरंगाबाद पड़ गया। मुगल इतिहास में औरंगाबाद भी लाहौर, दिल्ली और बुरहानपुर जितना ही महत्वपूर्ण है। शुरू के कुछ समय तक औरंगजेब दौलताबाद में रहे, लेकिन बाद में वह खुजिस्ता बुनियाद चले गए। उन्हें यह जगह पसंद आ गई, इसलिए वहां रहने के लिए बड़ी तादाद में कॉलोनियां बसाई गईं। शहर में बावनपुरा बसाए गए, इसकी किलेबंदी की गई। बाद में इसे दक्कन की राजधानी बनने का गौरव हासिल हुआ। मलिक अंबर की तरह ही औरंगजेब ने भी 11 नहरें बनवाईं। दुलारी कुरैशी बताती हैं कि कई यात्रियों ने इस शहर की सुंदरता का वर्णन किया है। उनके अनुसार औरंगाबाद का वर्णन एक ऐसे शहर के तौर पर किया गया है जहां की हवा खुशबू से भरी हुई है, जहां का पानी अमृत जैसा है। औरंगजेब 1681 में यहां आए और फिर उन्होंने कभी भी दक्कन को नहीं छोड़ा। बादशाह औरंगजेब ने यहां खुलताबाद में अपने लिए एक सादा सा मकबरा बनाने और उसके ऊपर तुलसी का पौधा लगाने के लिए कहा था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल शासन दक्कन में फिर कभी पहले जैसा ताकतवर नहीं बन सका। 1948 में जब हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हो गया तो औरंगाबाद के साथ ही मराठवाड़ा का इलाका भी भारतीय संघ का हिस्सा हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि औरंगाबाद को आखिर संभाजी नगर बनाने की कोशिश कब से शुरू हुई। 1988 में औरंगाबाद नगरपालिका के चुनाव में शिवसेना को 27 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद बालासाहेब ठाकरे ने सांस्कृतिक मंडल ग्राउंड में एक विजय रैली को संबोधित किया। इसी रैली में उन्होंने ऐलान किया कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा। हर बार नगरपालिका चुनाव में औरंगाबाद का नाम बदलने का मामला उठता है और यह चुनावी मुद्दा बनता है। दरअसल 1995 में औरंगाबाद नगरपालिका की एक बैठक में औरंगाबाद को संभाजी नगर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। उस वक्त पूर्व सांसद चंद्रकांत खेरे औरंगाबाद के अभिभावक मंत्री थे। विधानसभा के पूर्व स्पीकर हरिभाऊ बागड़े जालना जिले के अभिभावक मंत्री थे। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद का नया नाम रखने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। चंद्रकांत खैरे बीबीसी को बताते हैं, हमने इसका नाम संभाजी नगर कर दिया था, लेकिन किसी ने कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इस बीच हमारा गठबंधन चुनाव हार गया और औरंगाबाद को संभाजी नगर करने का मामला लटक गया। खैरे से जब पूछा गया कि औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर क्यों रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम औरंगजेब जैसे तानाशाह शासक के तौर पर नहीं रखा जाना चाहिए। वो कहते हैं कि एक समय में इस शहर का नाम खड़की था, औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को सोनेरी महल में 4 महीने तक कैद करके रखा था। उनके खिलाफ यहाँ मुकदमा चला, वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। 1996 में शिवसेना बीजेपी कैबिनेट ने संभाजी नगर नाम को मंजूरी दे दी थी, लेकिन तब औरंगाबाद नगर पालिका के पार्षद मुश्ताक अहमद ने अदालत में इस फैसले को चुनौती दी थी। 2018 में मुश्ताक अहमद ने इस बारे में बीबीसी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि 1996 में तत्कालीन राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के बारे में अगर कोई व्यक्ति सुझाव या आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो करा सकता है। हमने इस अधिसूचना में नाम बदलने के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर याचिका ठुकरा दी कि मामला अभी अधिसूचना तक ही सीमित है, अपील प्रीमैच्योर है। मुश्ताक कहते हैं कि हमने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली और राज्य सरकार को लताड़ लगाई। लेकिन आगे की सुनवाई से पहले राज्य में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार आ गई। मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की अधिसूचना रद्द कर दी। इससे सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका स्वाभाविक तौर पर ही खारिज हो गई।